वालेकुम। कि हमारे मुल्क के अंदर ना बड़े मसले होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं, और हम लोग ना हमेशा उंगलियां पॉइंट करते रहते हैं, और जी इस मसले का मसाइल वो है, इसकी वजह ये है। लेकिन आप पता है, एक मसले की वजह हम किसी और पे नहीं डाल सकते, और वो है मोटापा। वो ऐसी वजह है कि हम कहते हैं ए कसूर मेरा ही है। क्योंकि हमारे यहाँ डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई डाइट वो होती है कि सवेरे सवेरे हलवा पूड़ी, दोपहर नू मगज न्यारी, फिर रात नू पोटा कलेजी या बट कढ़ाई, कुछ इस तरह का माहौल होना चाहिए। और फिर बाद में कहते ओह यार जरा चाय में दो कतरे कैंड्रल के डाल देना। तो देखिए, मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया इसको फेस करी है, और ओबेसिटी पाकिस्तान में भी है, मगर यहाँ कोई न्यूट्रिशन की सुनता नहीं है, कोई डाइट को फॉलो नहीं करता। यहाँ तक बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली जिम जाके अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसी ते भोली कहो मां मेरी जान जी, पहले सब तो पहले मोटापा घटाने वास्ते अपने टोटके लाने हैं। हां, तुहानू कोई सियाणा बंदा मिल जाएगा, बेटे तू मोटापा घटाना, हाँ जी अद्धा किलो अदरक खा। उस तो सियाणा मिल जाएगा, तू गुलहरी की पुछल साड़ ओदा धुआं धूनी लै। दिनों च वेखी तेन पुशल ने स्लिम कर देना। वाह वाह वाह। जो तो 2500-3000 टोटके तो बाद ढिड होर निकल आता है ना, उदो याद आंदा ओए होए मैं तो डॉक्टर को जाना। जो है ना हमारे सोशल मीडिया का है। अच्छा, आप देखिए ये सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको बताते हैं बिना किसी रिसर्च के कि 10 kg किस तरह गिराने हैं। हाँ। और लोग बिना सोचे समझे इनको फॉलो करते हैं, फिर डिफरेंट बीमारियों के शिकार होते हैं। अच्छा, एहो जी कुड़ी ना खावन दी बनैन ते लिख देंदी हुंदी नो स्मोकिंग। भाई मेरी ने साडी खुराक बहुत ज्यादा है असल च, एवें 8-8 नान खा ले, वड्डा 1500 वाला प्याला पावियां दा पी लिया, मुड़ के नशा इन्ना हो जांदा कंधा नु हाथ रख रख के कह रहे हुंदे ने हुण ओ खुराक ही नहीं रही है। बात बिल्कुल सही कही है, वाकई है वो खुराकें नहीं रही, हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है। हम लोग को तो ये भी नहीं पता होता है गोश्त बकरे दा है या खोते दा है। हेलो भाई, नहीं नहीं मैं खोते की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। शुक्र है, मैंने तो खोता कहना भी नहीं, हो ना वे कितने खोता माइंड कर जे। भाई माइंड ना करना से याद आया, ख्वातीन हजरात आज के हमारे मेहमान के बारे में क्या कहूँ, वॉट अ डिजाइनर ही इज। एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कहें कि टॉप डिजाइनर्स में से कौन लोग हैं तो इनका नाम जरूर मेंशन होता है। नॉट ओनली ही इज अ फादर, ही इज अ क्रिएटिव जीनियस, ही इज अ ट्रेंड सेटर। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान के लास्ट 15 ईयर्स के अंदर अगर कोई इनोवेटिव डिजाइनर आया है तो वो जरूर आज हमारे मेहमान हैं। प्लीज आइए उनको मिलते हैं, द एक्स्ट्रावेगेंट अली ज़ीशान। अली ज़ीशान शायद ही कोई पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर हीरोइन होगी या कोई एक्टर होगा जो आपको नहीं जानता। कोई ऐसी खातून नहीं है लाहौर के अंदर, कराची या मुल्तान के अंदर जो आपके कपड़े नहीं पहनती। आप एक आइकॉनिक सिंबल बन चुके हैं, जहां जाते हैं और लोगों को पता लगता है अली ज़ीशान की कैंपेन आने वाली है। तो लोग नॉर्मली डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या फिर पांडे होते हैं, मगर नहीं मेरा मतलब डिजाइनर भी पांडी होते हैं, बट वेयर बेटर, हम कपड़े बेहतर पहनते हैं। और वैसे भी आपने मुझे भांड कह दिया। नहीं भाई, आपको नहीं मैंने भांड, मेरे लिए क्रेडिट की बात है ब्रदर। अच्छा अच्छा, क्योंकि भांड वाहद कॉमेडियन है पाकिस्तान में जो फैमिलीज को एंटरटेन करते हैं। बेशक, हां क्या बात। अब पता है मैंने एक और बात सुनी इस बात पे कि जो मिरासी होता है ना वो मिरास होती है, और मिरास इज अ कनेक्शन, और वो बड़े किस्मत वालों को मिलती है। बिल्कुल, और इनको खराश होती है। अरे जहां सारे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, आप डिजाइनर, और वो भी पाकिस्तान में, ये हादसा था या बाकी प्लानिंग थी? मेरा हमेशा से ही ना क्रिएटिविटी की तरफ तो बैंड रहा है। तो मेरी अम्मी मुझे ये बताती हैं कि जब मैं 3 साल का था तो मैंने अपने पैंपर से देख के मिकी माउस बनाया था। तो ये हमेशा से ही है, क्रिएटिविटी हमेशा से ही है। आइडिया बुरा नहीं है, पैंपर लॉन। डिजाइनर पैंपर्स। हाँ बिल्कुल, डिजाइनर पैंपर्स। अच्छा, आपको लगता है कि जी हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है वो IMF का कर्जा उतार देगी? जो अब हाल चल रहा है, जोड़े इतने महंगे हो गए हैं, तो IMF का और हमारी महंगाई को फैशन इंडस्ट्री पे क्या उसका हुआ है इफेक्ट? मैं आई विल गिव यू फनी आंसर इन द सीरियस वन। सीरियस ये है कि अभी ना
जो अभी वी आर गोल्ड राइट नाउ, कंट्री में हालात स्टेबल हो गए हैं, थिंग्स आर बेटर. और देखिए एक ट्यूलिप है, एक फूल ऐसा जो पूरा एम्स्टरडैम चलाता है या पूरा नीदरलैंड चलाता है, तो कोई भी हो सकता है. और हमारी पहचान है, हमारे पास इतना डीप कल्चर है, हमारे पास मुगल्स रहे हैं, हमारे पास इतनी हिस्ट्री है, अफगान हमें लगते हैं, यहाँ पे ईरान है, चाइना है, सो आर कल्चर इज वेरी डाइवर्सिफाइड. और जो हमारे कारीगरों के हाथ में अल्लाह ने क्रिएट करने की ताकत दी है, वो लाजवाब है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. उनकी जुल्फ पलक जो है उसका कोई मोल नहीं है. बट इफ वी पैकेज इट राइट, उसको सही तरह से हम ब्रांड करें, वी कैन सेल इट टू द वर्ल्ड एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस. एंड आई वॉन्ट टू मेक दैट डिफरेंस. आई वॉन्ट टू ब्रिंग डॉलर्स हियर and help those who can't go out there in the world and help themselves. वाकई बाट जी, नई चीज़ों को मुतारफ करवाना चाहिए. मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, आपको शायद पता नहीं. मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन किया था ये ग्रीन पत्तों का, आजकल बाहर का मौसम. एक फंक्शन पे पहन के गया, उसे किसे हवा चल गई नहीं पा पत्तियां दी वाह. खैर किसे चवल ने बकरा खोलता उसे जना मैं भजा फिर हूँ मेरे पीछे पीछे. आपके बकौल दर्जी और डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं होता, ये मेहनत सबने करनी होती है. मजदूर भी करता है, आर्किटेक्ट भी करता है. आप ज़ाहिर है टेक्निकल बातें सीख जाते हैं, शुआएं शुआएं सीख जाते हैं, कोर बेसिक मेहनत ही होता है. आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी डिग्री ले लें, जब तक आप अड्डे पे खुद नहीं बैठेंगे ना, अपना फ्लोर खुद साफ नहीं करेंगे, आपको काम नहीं आएगा. लेकिन बट जी, दर्जी और डिज़ाइनर में फ़र्क है. अच्छा, देखिए डिज़ाइनर आजकल पढ़े लिखे हैं, अपने गेस्ट को भी मुतमिन करते हैं, नहीं आप पे ये सूट करेगा, नहीं नहीं ये कलर तो बिल्कुल अच्छा नहीं. तो दर्जी बेचारे ने शलवार कटनी होवे ना तो कैंची तो बहुता मुंह चल रहा होता है. तुसी दर्जिया नू अंडर एस्टिमेट ना करो, वेख के दस देंगे बाजी तुहानू केड़ा साइज पूरा आएगा. अच्छा, यहाँ ये बड़ा आता है डिजाइनर्स के ऊपर कि जी डिजाइनर अपर क्लास को केटर करते हैं, तो ये वाकई आप प्लान करते हैं कि जी हम लोगों ने अपर क्लास को करना है, या मैसेज के लिए भी कुछ है? सर पता है डिजाइन जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड ना, आर्ट या डिजाइन, वो उसका ये पैटर्न है. ठीक है, अपर क्लास के पास क्योंकि मींस होते हैं, सोर्सेज होते हैं, तो वो पहले उसको अडैप्ट करते हैं. और फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब हम भी कर सकते हैं. ठीक है, सो ये क्लास वाली बात नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है. इट्स दैट सिंपल. अच्छा, हमने कोई, देयर इज नथिंग अगेंस्ट. आई वुड लव टू बी मेकिंग क्लोथ फॉर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बट मेरा क्योंकि मेरा कुट्योर का काम है, मैं महंगा बहुत पहन, कार बहुत महंगा पहनते हैं, बट साहब मैं तुम दसा तीन तरह के टैक्सेस देने हैं. तो अब वो देख के लगता है ना कि आप बड़े नंबर बना रहे हैं. और आप हमें प्लीज सपोर्ट करें मिस्टर गवर्नमेंट साहब, आप हमें सपोर्ट करें, कोई सब्सिडी दें, कोई हम कोई आप कोई फैसिलिटी दें, बल्कि यू मेक अस फील कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि हम पैसे बना रहे हैं, तो आप हमें इस इदारे के क्यों नहीं दे रहे? कर रहे हैं सर, 50 रुपए और बढ़ा रहे पेट्रोल, और की करण हो ताकि मैं नस के घर चला जाया करना. अच्छा, अली भाई नु देख के ना कसम नाल दिल खुश हो गया है. और देखो तुसी माशाल्लाह किड्डे यंग और जवान, एहो जिहा बंदा ना एवें महल्ले च हुंदा चपेड़ मार के, वेना की है मामे खां, वेना की है. अच्छा अली, मुझे बताया किस उम्र में वाकई आपको कन्फर्म हो गया था कि भाई अब मैंने डिजाइन, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, हुन नहीं कुछ हो सकता, हुन नहीं कुछ हो सकता, हुनते हुनते मैं प्रोग्राम कारलिया ने भी छड़ता है. पता पागल तो मैं हमेशा से था. ठीक है, और पागलपन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है ना. और थोड़ा सा मैं मलंग भी हूँ. और मुझे एक चीज है कि जिसको मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, वो है मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, या मुसव्विर खुदा की एक सिफ्त है, नाम है क्रिएट करने वाला. आई कैन पेंट ऑल्सो. तो अल्लाह ने मुझे एक सिफ्त दी हुई है, बाकी ये कि मैं उसको चैनलाइज करने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू एजुकेट माई सेल्फ, आई वेंट टू फैशन स्कूल, आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, did all the degrees really well. मैं काम बड़ा अच्छा करता हूँ. अगर मैं स्वीपर भी हूँ ना, मैं आपका फ्लश इतना अच्छा साफ करूंगा, आपको दोबारा किसी कराएंगे ही नहीं. वाह वाह. तो ये कि बंदा एड्डा साफ हो गया फ्लश के अंदर, नहीं इतने गंद नहीं पाना, बल्कि इतने मैं गंद नहीं पाना, मेरा बिस्तरा पाओ. मैं कभी गर्मियों में जाके सो भी जाता हूँ ठंडे बर्फ के साथ. अली, मैंने ना आपकी थ्रू आउट ट्रांजिशन देखी है, आपने मॉडर्न फैशन से स्टार्ट किया, लेकिन अब आपके फैशन के अंदर इतनी खूबसूरत एक हमारी देसी टच, हमारी एंटीक, हमारा ओल्ड फैशन, वो हमारी दादी नानी के ज़माने का फैशन, उसको बहुत हैविली प्रमोट करें, तो ये चेंज और इंस्पिरेशन कहाँ से? अहमद भाई हमारा ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है फैमिली सिस्टम. आई ग्रो अप इन जॉइंट फैमिली. सो मेरी दादी, मेरे अब्बू मिला के 6 भाई, उनके 4 की 2-2 शादियाँ, सबके 4-4 बच्चे, 6 खालाएं, 4-4 बच्चे, 5 मामू. तो
जब जोड़ा डिजाइन करता हूँ ना तो वो असल में एक पर्सनैलिटी होती है। मुझे पता है ये शोखी वाली कजन का जोड़ा है, इसने ये वाला रंग पहनना है और ये अंदरों शोखी है, बानो खानदी कुछ हो रहा है, ये उसका डिजाइन है। तो आई नो माई ऑडियंस रियली वेल, आई लव वुमेन, आई ग्रू अप विद। जितनी आपने फैमिली बता दी है, इलेक्शन के दिनों में आपके घर बिरयानी का डब्बा नहीं पूरी देगी आंधी होगी मेरे। असली फैमिली भी नहीं बिकते। इंस्पिरेशन वहां से आती है, इंस्पिरेशन वहां से आती है। उसके अलावा मैं ट्रैवल करता हूँ, आई रीड, वॉच, मैं अपना दिल और दिमाग खुला रखता हूँ। आपको वो इंस्पिरेशन मजार के फकीर की चादर में भी आ सकती है, मेरे बेटे की आंखों में देख के मुझे इंस्पिरेशन आती है, और मेरी अम्मी के हाथ, और भाभी की आंखों में नहीं देखते आप? मैं शर्मा जाना। अच्छा, जहाँ ये इतना लॉन्स की जंग चलती है, गर्मियां शुरू होती हैं और हमारी खवातीन पागल हो जाती हैं, शीशे तोड़ देती हैं, लॉन लॉन्च हो रही होती है तो इनके अंदर का मौला जट बाहर आ जाता है। तो ये लॉन का क्या है हमारा क्रेज? लॉन ये एक्सेसिबल है ना, लॉन एक्सेसिबल है, उसकी प्राइस ब्रैकेट नीचे होती है, और वाई नॉट यार, आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? ताड़े को लेके पा रही हैं? नहीं, मैं जाहिर गल है साढ़े तो ही जाना ना पाया, मैं लॉन लेनी, मैं लॉन लेनी, मैं लॉन लेनी। और लॉन के ऊपर तो वाकई अब तो जंग हो रही है, हर डिजाइनर अपनी लॉन निकाल रहा है। सर इट्स अ गुड बिजनेस, और हमारा पाकिस्तान का वेदर भी ऐसा है ना, 6 महीने गर्मी रहती है, तो वो आप जो नॉर्मल दिनों में डिजाइनर नहीं बाय कर सकते हैं, लॉन ये होता है कि आपको एक्सेस मिल जाती है, यू गेट टू फील द डिजाइन्स एंड द डिजाइनर एंड द ब्रांड, सो आई थिंक इट्स विन विन फॉर एवरीबॉडी। मतलब लॉन हर के पास होनी चाहिए? फॉर श्योर होनी चाहिए। हाँ, लॉन ये पहनने वाली होनी चाहिए, बैंक तो नहीं लेना चाहिए। तेरे दांत दर्द हो ना तो लॉन रख लिया करो। अच्छा, एक जमाना था कि हर डिजाइनर अपना फैशन शो करता था, अब ये ब्राइडल वीक, फैशन वीक्स आना शुरू हो गए हैं, 15-15, 20-20 डिजाइनर्स एक ही शो करी जा रहे हैं, क्रिएटिविटी आपको नहीं लग रहा कि बंद हो गई है? ये डिलेमा तो है, मुझे भी लगता है कभी कभी ब्लॉक, क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है। असल में ना सर अहमद भाई, ये होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री बूम कर रही होती है ना, इट्स ऑल्सो गुड थिंग, तो बहुत सारा फिर कॉर्पोरेट इंटरेस्टेड हो जाता है, कैपिटलिज्म आ जाता है, तो उस बात से मुझे परेशानी है वैसे कि आप कितना क्रिएटिवली तेज 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 कर रहे हैं, एंड देन फिर इट बिकम्स अबाउट नंबर, तो ये तो फाइट हमेशा से क्रिएटिव लोगों की रहती है। हाँ जी, बट हैविंग सेड दैट, उससे ओवरऑल इंडस्ट्री बड़ी हो रही है। ई कॉमर्स में अभी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इनकम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं थ्रू फैशन ब्रांड। अरे वाह, तो उस तरह से तो फ्लरिश भी हो रहा है। इट इज़ द वॉर, द कैपिटलिज्म वॉर, ये वो ही एक रट है। उसमें अब आपको देखना है कि आपको क्या रास्ता चूज करना है, कि आपने उस रैट रेस में जाना है या आपने थोड़ा सांस लेना है, आपने 4 की जगह पे 2 कलेक्शंस करनी है, इट्स टोटली योर कॉल। बिल्कुल जी, और जहां हम लोग डिजाइन की बात करें तो आपकी लास्ट कलेक्शन का क्या नाम था? मेरी जी, जी डब्बियां वाली तोती। बिल्कुल। एक छोटी सी डब्बी, मेरा मतलब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना विद अली ज़ीशान इन द हाउस, जहां हम लोग डिजाइन की बात करें तो डिजाइन के तो छापे इस तरह लग रहे होते हैं, आपकी ये कलेक्शन आती है, ये छापा लगा और वो चला गया, लंग दे जाओ पाग लगे रहें। इधर से बना रहे होते हैं और इधर से छापे बन रहे होते हैं, ये एक माफिया सा है और थोड़े कम अक्ल लोगों की निशानियां हैं ये। थोड़ा मुझे दुख होता है कि एक चीज जिसपे आपने इतनी मेहनत की है, आपका स्टाइल है, आप वो चलो बाकी चीजों की चोरी कर लो, ये तो एक ईमानदारी की चोरी है ना, किसी ने इतनी मेहनत से एक चीज की है, आप उसको चोरी कर लें। अली चांसलर, डोंट यू फील प्राउड के आप? आई फील प्राउड एज फार एज दे आर नॉट स्टेपिंग ऑन माय टोज, एज फार एज दे आर नॉट वांट टू टेक व्हाट ऑल आई हैव, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा उस बात का लिहाज, गेट इंस्पायर्ड प्लीज। बट मैं इन अ फनी वे एक एनेक्डोट बताता हूँ, मैं लिबर्टी गया और ना बुरी हालत में, जल्दी से सुबह सुबह का टाइम था, और ना मैं एक दुकान से गुजरा, वहाँ पे मेरी डिट्टो कमीज छपी पड़ी हुई लगी हुई बाहर टंगी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये तो मेरा डिजाइन है, कहते नहीं नहीं भाई जाओ ये अली ज़ीशान का डिजाइन है। तो भाई आप अली ज़ीशान है, देखिए मैंने छापा कितना अच्छा मारा है, इस बात की तो दाद दे। जहाँ डिजाइन छापे होते हैं वहाँ डिजाइनर्स भी छापे मारते हैं। ओ आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये हलवा बेसन का है, ये हलवा
बेसन कहे ये हलवा, बेसन कहे ये हलवा, ये हलवा, ये हलवा, बेसन कहे ये हलवा। अस्सलाम वालेकुम। तौबा तौबा, पहला डिजाइनर है जिदी पिन्नी हाथ च नहीं आन रही। अपनी बकवास बंद करो की। एक्सक्यूज मी। यस। हु आर यू? डार्लिंग अप शट। आई एम नॉट। जब दो बंदों में बात हो रही तो तुम क्यों जी बटू? बटू नहीं बट। नहीं बटू, बटू, बटू। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम बटू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आपका नाम? My name is, बता देता हूँ नाम, इतनी जल्दी क्यों है? ये तो पूछो मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। भाई आप कौन है और कहाँ से आए हैं? यहाँ से आया हूँ। नाम बताइए। Of course, बताना पड़ेगा। अच्छा यहो जो दो सड़क ते जा रहे हो ना, बिचो एक डिग पवे ते भूल जाते ने, नाल दे नु कह रहे हैं उठ जा मर्द बन। Yes, और हम दो ही जा रहे थे, ये गिरा था। ओए ओए, हेलो डिग्गी सी, ये डिग्गी डिग्गी सी। ओह, आप भी साथ मिल गए। तेरी हड्डी भी टूट गई सी ना डिग्गी सी, चक्कर भी लग गया सी, मैं देखिया सी। माशाल्लाह तेरे कबूतर दा मुंह किथे है जे? मुंह छड़ दे, मुंह छड़ दे, पैर दसा किथे नो दे। ध्यान ना नहीं। अच्छा जी, मैं ध्यान पहचाना नहीं आपने? जी भाई जी, मैंने नहीं पहचाना। मुझे नहीं जानते आप लोग? और कौन? कुलचा गबाना। कुलचा गबाना, वेरी टेस्टी। मैं तो यही बर्गर खाना है। इनका मुंह भी जले हुए कुलचे जैसा है। भाई हमने डोल्ची गबाना का तो सुना था, मगर ये कुलचा गबाना का वो हो गया। कुलचा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं अली जिशान। आपको पता है मैं इनको लेने आया हूँ? हैं? आई एम योर बिग फैन। थैंक यू जी। और आपको पता है मैं आपको लेने क्यों आया हूँ? जी जी। एक्चुअली ना अंबानी खानदान है ना, उनकी शादी का ठेका मुझे मिला है। ओह, ठेका एल है। असली डिजाइनर समझ रहे हो, बिचो मजदूर निकल आया। अल्लाह करे तेरी वास की ना, तेरी बाहों ही लत जानना। किड्डा अच्छा लगे सराहना जिया पे। इसका मतलब है अंबानी की वेडिंग? यस ऑफ कोर्स। वो आप कर रहे हैं? यस, मैं इसीलिए तो अली जिशान को लेने आया हूँ। नहीं तो अगर आप करें, अली का क्या काम उसमें? अली को एक्चुअली ना मुझे काम बहुत ज्यादा मिल गया है, मैं ऑर्डर पूरा कर ही नहीं पा रहा। ओ अली जिशान हो गए तो भी मेरे साथ जरा हेल्प कर देंगे ना अली? टेका तेनू मिले, ऑर्डर मेनू तेनू मिले है, तेरा अंबानी मैं की करा बिच। नहीं मैं सदके चुप रहना, बस तू बोलना नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपका डिजाइन होगा, छापा इनका नाम जाएगा। अच्छा ये कह रहे हैं? अच्छा यस। तो आप ऐसा करें ना कि फिनेल की दो गोलियां मैं खा लेता हूँ, ठीक है? बात खत्म। यानी आप क्यों खा रहे हैं, इनको खिलाते हैं? भाईजान फरनैल दी गोलियां गैरतमंद वास्ते होंदियां, इन्हें तो छह खा दी सी, मरिया नहीं, उल्टा कह रहे हैं मखाने फिके नहीं आने लगा। आपने इससे पहले कौन कौन सी बड़ी शादियों में अपने डिजाइन दिए हैं, या कौन कौन से बड़े स्टार्स को डिजाइन दिए हैं? बहुत बड़े लोगों में, अंबानी के अलावा एक और खानदान है। कौन सा वो आप बताएं? उसके बाद मैंने शरीफो खानदान के लिए किए। मतलब शरीफो का खानदान जो है? नो नो, शरीफो समझ तुसी गए हो, वैसे कुन्ने बने। पुत्र को ऐसी गल ना करी, हुकूमत उन्हें दी है, तेरे का जान की जुतियां पवा देंदा हुंदा। अच्छा मुझे बताइए, नमकीन चाय वाला कुर्ता आपने कहां से लिया? ले ये अली जिशान ने तो नहीं डिजाइन किया? नो, अली जिशान तो एक्चुअली मेरी डिजाइन चोरी करते हैं, तो ये। ओ सर आप पे स्टैंप लग गई है। मारी ने मेनू, अल्लाह की कसम मारी ने मेनू। गलदार हां ध्यान ना चाट इंदा मुंह देखो जरा, लगदा किसी मेम दा गोड्डा हुंदा है। ए देखो पट साहब नु देखो, लगदा किसी ने पजारो धोती हुंदी है। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਨ ਚ ਵਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਲੀ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏਡਾ ਚੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀ ਜਿਸ਼ਾਨ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਬਤਾਓ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋਗੇ? ਭਾਈ ਬਤਾਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ। अंबानी खानदान है, गर्मी आ रही है, अंबानियां दा मौसम आ ही जाना। मेरे ख्याल इनको आप कहें कि भाईजान आप 50-50 कर लें, सारा प्रॉफिट आप ले लें, नाम आपका यूज हो जाए। नहीं आपको भी मेरी लीगल टीम से बात करनी पड़ेगी। मेरा पता है आपको कितने का ऑर्डर मिला है? कितना? 5 करोड़। ना छोटे लोग, 500 करोड़। छोटे 100 करोड़। ओ नो, 500 मिलियन। नो, खाली 500। ₹500 अंबानी ने मुझे दिता है, 500 दे के उन्हें क्या गल सुन भी मेरे मुंडे का ब्याह है,
जे तू पिंड च नजर आया तेरी लत्त पाते अली जीशान चलो ना मेरे साथ प्लीज इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगा बताओ ना मैं आपको... तो पहले आपको सोचना चाहिए था ना आज 250 कर लेंगे दोनों चेने पहनने से कोई डिजाइनर नहीं बन जाता नहीं चेने पहनने से और ये हां हां दस फिर खलोवा फिर मैं तो ना बैठे रे सोचा पता नहीं ऐसे अली जीशान बुलाया सानू आगा माजद मिल गया पता नहीं आप नहीं करें आप अपना डिजाइन और अपना एडवांस लेके 500 रुपए का जो एडवांस आपको मिला है यहाँ से सीधा नीचे एलिवेटर से जाएं सामने उबर बुक करवाएं और कार निकल जाएं बुरी बात है किसी को बूझ लेना मैं क्या करूंगा बाद में पर जी बाकी बातें छोड़े हैं प्यारा थैंक्स इतनी अच्छी संगली गोल्ड की पहनी हुई लग रहा है सराफा बाजार की गां फिरन रही बंद करा दे बंद अली जीशान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने तो वैसे अली आपको पता है कि एक डिजाइनर के लिए शो स्टॉपर जो होता है बड़ी जरूरी बड़ा एक अहम पीस होता है कि जी शो स्टॉपर जब मेरा होता है ना फैशन शो के अंदर कि आखिरी जोड़ा कौन पहन के आएगा और अक्सर उस पर फटे फड्डे भी होते हैं बड़े से बड़ा नाम चाहिए होता है तो हमने कहा कि क्यों ना एक ऐसी गेम आपके लिए डिजाइन की जाए जहां हम ये जानना चाहें कि आपके लिए अगला शो स्टॉपर कौन होगा ठीक है चूज आपने करना है उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है उनका हुसन हो सकता है उनकी एम्बियंस हो सकती है या उनका स्पिरिचुअल एलिमेंट हो सकता है व्हाटएवर यू वांट ओके जी माइंड द डिजाइन अरे अरे वाह कोई दो ऑप्शंस हैं आपके पास एक है चाहत फतेह अली और एक है किम कार्डेशियन सर बताइए आपको क्या लगता है मेरा शो होगा इनमें से कौन आएगा मुझे लगता है आपके शो में चाहत ही आएगा हाँ मैं तो शुरू में भी डालूंगा तीन दफा उनसे वॉक कराऊंगा अरे वाह मैं आपको बताऊं मुझे अपने आर्टिस्ट बहुत पसंद है वाह 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 इन एनी फॉर्म शेप एंड साइज दे बिलोंग टू अस आई लव ऑल ऑफ देम वो यहाँ से पैदा हुए हैं उनको वो हमारे लोग हैं और हाई टाइम वी शुड ओन देम एंड सेलिब्रेट देम एंड आई लव चाहत फतेह अली खान आई लव हिम आई थिंक ही इज वेरी इंटरटेनिंग एंड ही इज जस्ट सो फैबुलस वालेकुम अस्सलाम अगर आप इनको जोड़ा पहनाएंगे कौन सा पहनाएंगे इनके मत्थे वाला अलग होगा मतलब नीचे वाला अलग होगा मैं सिर्फ शायद यहाँ पे कोई स्टाइलिंग है कि टोपी शोपी पहना दूं टिकनी नहीं कि स्टील दे केल ना लानी पैनी है डबल टेप नाल जोड़ लांगे और चाहत भाई दा ड्रेस भी एडा औखा नहीं बनना कांजी दे घड़े दा साइज लेना ते ड्रेस बन जाना सोफे का गुलाब भी पवा सकते किम कार्डेशियन को फारिग कराएं जी बिल्कुल फारिग कराएं जी फारिग कराएं किम कार्डेशियन को जी अगला गो हु किम कार्डेशियन ओ ये कंट्रोल महरीन कंट्रोल महरीन कंट्रोल हमारी महरीन जो है वो पागल है नसीम के पीछे राइटफुली सो अब ये मुकाबला जरा थोड़ा सख्त हुआ है एक तरफ क्रिकेटर और पप्पू बच्चा दूसरी तरफ चाहत एंड चाहत चलो पैसे भी तो कमाने हैं बाइक्स भी तो चाहिए ना फॉलोअर्स भी चाहिए तो भी भाई को लेते हैं जो प्यारे हैं अच्छा नसीम को क्या पहनाएंगे He's a handsome guy. He's pride of Pakistan. I would love to give him like Qaid Azam Wali Achkan. और साफ सुथरे से बाल, अच्छे embellishment हुई हुई, अच्छे cufflinks. ओह, मेरीन बस, सोए बस, बस मेरीन बस. आपने लाल lipstick तो नहीं लगा ली थी पार?
ओके जी, तो चाहत को फारिग कर दे फिर। चाहत फारिग। चाहत भाई हाफिज कदी ना ना। भाई जान ये तो मुश्किल हो गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, हो गया काम पै गया तेरे नाल। आप बताएं, आप बताएं भाई जान क्या करेंगे आप। अलीजीशान, डोंट यू थिंक हाइट मैटर्स व्हेन अगर आप शो स्टॉप करवा रहे हो किसी से? कुछ भी मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। विद राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू कैन कैरी हॉर्स ऑन योर हेड। बट आई स्टिल वांट यू टू पिक नसीम। हां आए वहाज, सॉरी इट्स नॉट योर शो। कौन कौन कहता है वहाज हाथ खड़ा करे? ओए ओ भाई जान, भाई जान, भाई जान, भाई जान। और कौन कौन कहता है नसीम? ओए अरे दिल छट गए पुत्र भाई, ये धांधली हो रही है या मैं आपको बता रहा हूँ? तो सर बताएं, नसीम या वहाज? देखिए तो मुझे मारेंगी सब मिलके, तो वहाज ही वहाज। बाय वहाज, बाय बाय। नसीम इज गॉन। नेक्स्ट। सर अच्छा, वैसे आपने ये नहीं बताया आप वहाज को पहनाएंगे क्या? वहाज को तो जरा गर्मी ज्यादा लगती है, खुले खुले कपड़े देंगे, जरा खुले 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 जरा कपड़े देंगे, जरा सी थ्रू वाले कपड़े, सी थ्रू वाले कपड़े। yes, आजकल बॉडी बनाई हुई भाई ने। आजकल तो मैं और मायरा खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम भाईजान, और आपकी बड़ी अच्छी दोस्त जी। अब यहाँ दोस्ती आती है या मैं कह रहा हूँ कपल वॉक करा लेते हैं, अब यहाँ ना मुझे चूज करवाए? नहीं सर, बहुत ऑप्शन है सर। अच्छा, ये आगे जाएगी बात? अभी तो आगे भी बड़ी चीजें आ रही है, आगे बड़ी चीजें आ रही है। चले वाज भाई को जिम भेज देते हैं, अब जिम करके आए। तो मायरा खान ऑफ कोर्स। ओहो अरे अच्छा भाई, कौन कौन कह रहा है मायरा हाथ खड़ा करे? बहन मैंने ब्राइडल बेचने भी तो है बेटे, मतलब वहाज। रानी किसी ने दुल्हन वाले कपड़े भी पवाने। अच्छा मायरा को क्या पहनाएंगे? मायरा को विल गिव हर ब्यूटीफुल शो स्टॉपर आउटफिट। अच्छा, शो स्टॉपर आउटफिट जो है ना उसमें मेहनत भी काफी होती है। हाँ। क्योंकि जो आपकी जर्नी होती है ना कलेक्शन बनाने की, सो एकेडमिकली आप 16 टू 18 पीसेस बनाते हैं या 24 बनाते हैं, 32 बनाते हैं, तो उसमें ना डे वेयर होता है, डे वेयर में दो तीन ऑप्शंस होती हैं, फिर इवनिंग वेयर आता है, फिर कॉकटेल आता है लेंथ के हिसाब से। तो शो स्टॉपर पीस जो होता है ना वो एक आर्ट पीस होता है। बिल्कुल। तो और वो स्टेटमेंट होता है। तो मायरा के लिए बहुत खूबसूरत कोई हम ब्राइडल बनाएंगे। तो भाई जान मायरा को फिर लॉक करें, वहाज को कट करा दें? कट करा दें अब, दिल तो नहीं चाह रहा। पुत्र असि शो भी चलाना कि तानू वेखी जाइए। वहाज कट कर दे फिर अब। ओए नहीं, वहाज कट। ओए वहाज कट। ओए जरताज गुल या मायरा खान, किसके साथ आप अभी अभी, या वुड यू लाइक टू स्टिक टू मायरा? मायरा आप कौन कह रहे हैं मायरा हाथ खड़ा करे? वैसे पॉलिटिशियंस तो आपको काफी फोन करते होंगे कि जी हमें जोड़ा दे दो, हमने वहां जाना है, ये वो। कभी किसी पॉलिटिशियन ने अपनी पावर का फायदा उठाया? नहीं, आई थिंक आई हैव बिगर पावर बिकॉज इट्स माई ब्रांड एंड दे वॉन्ट मी टू थिंक। दे आर ऑल वेरी नाइस, आई हैव बीन वर्किंग विद द एलीट एंड द इन्फ्लुएंशियल। कोई सियासी शेरवानी बनाई है आपने? नहीं अभी तक नहीं जी, जब मैं खुद बनूंगा तब पहन लूंगा। किसी सियासतदान की शादी के लिए शेरवानी बनाई? नहीं हूँ। तुम की जा गए थे देगन खानी उन्होंने तो। अच्छा जी, तो मायरा स्टिल मायरा? जी जी मायरा। मायरा को लॉक करे जी। आरिफ लोहार, आई लव आरिफ लोहार। नहीं जी, ये देखे, 1 2 3 गो। आ तन मौज करावा, आ तन सदके में जावा, आ आ। भाईजान आप बताएं, आप बताएं। Nobody's like आरिफ लोहार, nobody's like, I find him so interesting, so vibrant, so full of life, power, energy, and his है? beautiful hair and his smiling face. मैं एक बहुत funny आपको बात बताता हूँ। जी जी। I grew up in समनाबाद, और वहाँ पे ना एक डूंगी ग्राउंड है जहाँ पे बहुत शादियाँ होती हैं। हाँ जी। तो मैं छोटा सा था और हम लोग शाम में वॉक कर रहे कजन वगैरह ये वो, तो अंदर शादी हो रही थी और खाना खुला हुआ था, तो मैं ना मीसना सा बन के चला गया वहाँ पे अंदर, और वहाँ पे आरिफ लोहार वॉज प्लेइंग एट द वेडिंग। अरे वाह। और मैं
भूल गया कि मैं यहाँ पे इनवाइटेड नहीं हूँ। मैं पूरे खानदान के साथ नाचा, बड़े मामू, छोटे मामू, बड़ी खाला, आरिफ लोहार, और मैं नाच रहा हूँ उस शादी पे जहाँ पे मैं इनवाइटेड भी नहीं। क्या बात है। अरे भाई या मायरा, अरे भाई जी, अरे भाई, अरे भाई, लाला जी पाकिस्तान का सासा है, हमारी जान है, सच में लाला जी के लिए एक बार भरपूर तालियां। आज मायरा को फारिग कराएं और आरिफ भाई को लॉक करें। ये बात ऑप्शन पे ऑप्शन। क्या हो रहा है, कौन सा फैशन शो हो रहा है, ये हो कहां पे, ये जगह मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बाबर 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 क्या बात है भाई जान, क्या बात है, मुझे चक्कर आ गए। क्या करेंगे आप, इस कलेक्शन का नाम क्या होगा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। सनसनी खेज। बाबर में ऐसा क्या है जो नसीम में नहीं था? आए, आए, बाबर भी कोई हजार रन का फर्क है। वो वहां पर उसकी तरफ से बैठी हुई है, नसीम को भेज दिया आपने, नसीम बाहर कट, मेरे नसीम को बाहर निकाल दिया आपने, मैं नहीं खेलती। जी बताइए, बाबर या आरिफ भाई? आरिफ भाई का सोच ले, ज्यादा खर्चा होगा, एक सूट चिमटे का भी बनाना पड़ना। तुमने वैसे पता ही है लोग मुझे मारेंगे, लेकिन आरिफ लोहार, आरिफ लोहार, आरिफ लोहार। बाबर फारिग। और वैसे भी नहीं, उसने इंडियन डिजाइनर की शेरवानी ली है, ठीक है, सो या। हाँ भाई, उसने इंडियन डिजाइनर की शेरवानी पहनी थी, इसलिए हम आरिफ भाई के साथ अभी तक रहेंगे। जय ड्रॉप द माइक, मैं घर जा रहा हूं। फवाद खान। कौन कौन कह रहे हैं फवाद, हाथ खड़ा करे। कौन कौन कह रहे हैं आरिफ? ओए ओए, ये तो डिवाइडेड हो गई है, डिवाइड हो गई है 50%। एक आधे लोग कह रहे हैं फवाद खान, आधे लोग कह रहे हैं आरिफ लोहार। कम पै गया, बहुत मुझे चक्कर आ रहे हैं, वाकई मुझे पानी पिलाए, मुझे समझ नहीं आ रही। अली भाई फस गया। अली भाई, ऑडियंस का जो कहना है, आप दोनों काम मैनेज कर लें, इन्हें सलवार बना दे और इन्हें कमीज बना दे। जी, वुड यू लाइक टू स्टिक विद आरिफ? दोनों को भेज दें प्लीज, मुझे मेरी जान बच गई। अगला लास्ट है, इसके बाद लास्ट है। पीछे वो गाना बजा रहे हो, उनते ऐप आइन वॉक कर रहे हो। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। हां, दिल भी नाइस भाई जान। इसके बाद वाली जो चॉइस आ रही है ना, ओहो, अभी एक और रहता है, इसलिए और ऑडियंस की चीखें बताएंगी कि वो चॉइस कैसी है। रेडी, चलिए देखते हैं कौन सी, आरिफ या फवाद। आई एम सो सॉरी आरिफ भाई, आई लव यू बट यू हैव टू गो। आरिफ भाई को फारिग कराए, लास्ट चॉइस दिखाए, तालियां। वैसे मैं इनको ड्रेसअप करना चाहता हूं, आई फाइंड हिम वेरी हार्ड वर्किंग and I live in Punjab, I have grew up, I have seen around, and mashallah our city has been very privileged baki ilakon ki nisbat se, jitna meri observation, I'm not very political, I like him, I would love to dress him up. Aur kya pehnayenge, sherwani to unhone pehen liye, lacha. Oh, lacha, lacha hai Punjab ka culture hai. Actually yes, हाँ, why not? मियां साहब ने लाचा कुर्ता बना दे, तो उन्होंने पता अली भाई की कहना है, अली तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए तुमने लाचा कुर्ता डिजाइन किया, मुझे पसंद आया, लेकिन एक एक बात मेरी मानो, मैं हैट फिर भी पाना ही। बताए फवाद खान या शहबाज शरीफ साहब? फवाद, फैशन शो है, फैशन शो है। फवाद लॉक करें। फवाद लॉक करे, लॉक करे, लॉक किया फवाद खान। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। Welcome back. आप देख रहे हैं माइना करना और अली जीशान ने वाकई आज चार चांद लगा दी हैं। क्या आप खेल रहे हैं, हर गेम पे गेम जीती जा रहे हैं। एक गेम जो आप शायद नहीं जीतेंगे वो है माइंड द सॉन्ग। गानों का तो शौक है आपको, गाना बूझना, आपने ऑडियंस की आप हेल्प ले सकते हैं,
लेकिन अगर आप ऑडियंस बड़ी दोगली है, ऑडियंस बड़ी तेज है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आपने गाना पूछना है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो पहला गाना ये है। ओ डिस्को दर्द है डिस्को, ये अच्छा, वो तो ग्लोव्स हो गए ना, डिस्को बॉल्स हो गए, और वो दिल है। ठीक है जी, वो फिर से कोई डिस्को है और वो भी दिल है। हाँ बोलो बोलो बोलो। और नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अली भाई अपना जरा माइंड इस्तेमाल करें ना। लेकिन ये तो इंडियन गाना लगा दिया आप लोग। नहीं जी, इंडियन गाना नहीं है। 80s 90s पुराने नहीं है? पुराना हो सकता है, पुराना है। अरे फिल्मी गाना है जी, फिल्मी गाना। आप भी कुछ बताए ना कुछ कर। मैंने तो उन्होंने कांड की थी, मैं की दसा। फर्स्ट पिक्चर वी हैव डिस्को, सेकंड पिक्चर वी हैव अ हार्ट। एम इंग्लिश बोल बोल के ओखा करन दी। एहो जी कुड़ी ना कुकड़ी दी आवाज कट के कुकड़ परेशान कर देंदी हुंदी। हां जी, कोई माइंड में आ रहा है कुछ? पहला वर्ड डिस्को ही है। डिस्को है, और दिल को और क्या कहते हैं? दिल डंडा। डिस्को दिल मेरा, दिलदार। ओए बस ओए, तू हिजे करके दे दे। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। 1 2 3 गो। डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, मैं हुई डिस्को दीवानी। भाई बड़ा मशहूर फिल्मी गाना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। नो वंडर। अली भाई तस्वीरें देखे ना, क्योंकि इस गाने से इंस्पायर होके हम लोगों ने बनाया था जवानी फिर नियानी का गाना, थीम सॉन्ग। टन 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 टन। ओह नाइस, आई न्यू द जिंगल बट आई डिडंट नो द सॉन्ग। भाई जान क्या बात है। तो ये पॉइंट अली को नहीं गया। ये जी अगला पॉइंट लेने के लिए तैयार है जी? दे दें, बताएं जी भाई जान। ओ हो हो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन, और वो है स्वीट डिश, और वो है ओ द क्वीन। मैं समझ गया, ओ कान चो दे कह रहे हैं मैनू शुगर है सारे तू खा ले। अच्छा भाई देखें, है पंजाबी फिल्म का गाना, ये भी नाहिदा जी ने गाया हुआ है। अच्छा, और वो क्या कह रही है आपस में, क्या कह रही है? वो बात कर रही है, कह रही मेरे लिए भी, मेरे मतलब वो कह रही है सम से आई एम स्वीटी, सम से आई एम क्वीन ऑफ ब्यूटी, आई लव दैट सॉन्ग, सम से आई एम स्वीटी। क्या बात है जी, वाह वाह वाह, अली ने पूछ लिया। सुनो कहानी, वो क्या सुनो बातें। आ गया गाना भट साहब, सुन वे बिलोरी अखवा, नहीं इसमें तो आंख भी नहीं है। अच्छा नहीं, और भाई मैं क्यों बता रहा हूँ? वो देखें वो कान से कार्टून। भाई जान आप चुप रहे। अच्छा मैं भी चुप रहा हूँ। एड्डा भी नहीं हूँ दसना, दसना ही नहीं, हारना नहीं आई समझ। ठीक है मैं नहीं दसांगा, बड़ा हिट सा होंगे। कहानी सुनो एक्चुअली एक भी कहानी सुनो। मुझे क्या पता भाई, आप बताए पहले। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार। हाँ हाँ वही है, वही है, वही है। वेरी नाइस। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था एक बार, हुआ था मुझे प्यार, हुआ था एक बार, हुआ था। जी जी जी, मुबारक हो, 2 points अली ले गए हैं मेरी वजह से। एक और गाना आ रहा है सर, और मेहरीन अगर वो हेल्प मांगे तब बता। जी लैंडस्केप है, वो सोच रहा है पेंटिंग। हाँ जी, वाह 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 वाह, ये आए ना जरा, पुराना है नया है? अच्छा ये है पंजाबी गाना। अच्छा, और हाँ कह लें कोई ऑलमोस्ट 20-25 years पुराना है। अच्छा।
मगर हिट गाना, हिट गाना। Who is in the song? The actress? ये गाना पिक्चराइज हुआ हुआ है मोमर राना और साइमा पे। ओह, अब इससे बड़ी चूड़ियां, अब इससे बड़ी चूड़ियां, चूड़ियां, चूड़ियां ना बता दें। मैं लिख के ना दे दूं। अच्छा, मेरे जस्ट गिव मी अ मिनट। सबसे पहले तस्वीर क्या है? पहाड़, वादियां, वादियां। हाँ, और जब वादियों को बंदा देखता है तो क्या कहता है? मैंने क्या देखा खूबसूरत नजारा। शाबाश, करम नजारा। शान तीन पॉइंट ले गए। तस्वीर आ रही है, क्या आप ये पॉइंट हासिल करेंगे? और मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, एक भी हिंट नहीं दूंगा। अल्लाह मेरा दोस्त सलामत रखे। बस तुम ही नोखा मार दे रहा कर। ठीक है सर। व्हाट? ये क्या है? आज आज बस इतना ही बता सकते। ये नाराज लग रहा है। ओए बट साहब, इधर देखो, भावे मैं ना दसा लेकिन मेरे ज़हन च आ गया है। अच्छा, आज जाने किसी ने आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। भाईजान, मुझे लगता है इनका जाने का कोई मूड नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जरूर खत्म होने वाला है। बेटे आपका नाम क्या है? थैंक यू सो मच इज्जत। थैंक यू वेरी मच आपके लिए तालियां। इज्जत बेटे, वेल डन। थैंक यू बेटे, थैंक यू। साथियों साथ, ये गेम अली जीशान जीत चुके हैं। अली, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने शो में, आई रियली अप्रिशिएट यू एज अ पर्सन, एज अ डिजाइनर। जाने से पहले कैमरे में आपने ये जरूर देख के हमें बताना कि आजकल आप क्या माइंड कर रहे हैं। कैमरा इज योर्स। मैं आजकल लोगों का गुस्सा माइंड कर रहा हूँ। हमें एज ए नेशन जरा काइंड होने की जरूरत है। जब ट्रैफिक में फंस जाए या कुछ हो जाए, जिंदगी मुश्किल तो है, हालात एवरीथिंग, बट चूज टू बी काइंड। जब आपको गुस्सा है किसी पे, तो आप देख लिया करें अगला बंदा कहाँ पे खड़ा है, पुट योर फुट इन देयर शू एंड सी, तो जिंदगी जरा आसान हो जाती है, तो एम्पथी आ जाती है, तो फिर आप ना उनकी तरफ हो जाते हैं। तो गुस्से पे जरा कंट्रोल किया करें और जरा प्यार से कम्युनिकेट किया करें। क्या बात है जी, और टाइम पे भी आ जाए करें। मुझे इजाजत दीजिए, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। इंशाल्लाह आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच।